डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग चलते हैं क्लास 12th के लिए केमिस्ट्री सब्जेक्ट को पढ़ना शुरू करते हैं। 12th के लिए केमिस्ट्री, जैसा कि पता है हम लोग अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, कार्बनिक रसायन पढ़ रहे हैं, जिसमें पहला चैप्टर भी डिस्कस कर रहे हैं हेलो एल्केन और हेलो बेंजीन। अब हेलो एल्केन और हेलो बेंजीन से रिलेटेड टॉपिक्स में हम लोगों ने पिछले दिन पढ़ा था प्रकाशिक समावयवता, फिर उसके बाद पढ़ा विलोपन अभिक्रिया के बारे में, कायरल कार्बन के बारे में पढ़ा। अब लिखेंगे, जैसे कि हम लोग जानते हैं रासायनिक अभिक्रिया तीन तरह की होती है, प्रतिस्थापन, विलोपन और धातु के साथ अभिक्रिया। तो दो हम लोगों का खत्म हो गया, प्रतिस्थापन और विलोपन अभिक्रिया। आइए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ते हैं, धातु के साथ अभिक्रिया। धातु के साथ अभिक्रिया, ठीक है, धातु के साथ अभिक्रिया। अब धातु के साथ अभिक्रिया कैसे हम लोग पढ़ेंगे, क्या होता है इसमें? तो नाम से ही क्लियर है कि एल्किल हैलाइड को अलग अलग धातु के साथ रिएक्शन कराएंगे, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, ये सब धातुएं हैं। जैसे कि लोहा भी एक धातु है, वैसे ही आवर्त सारणी आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कई तरह की धातुएं मौजूद हैं एक तत्व के रूप में। तो खैर, हम लोग जब आवर्त सारणी पढ़ेंगे तो डिटेल्स जानकारी प्राप्त करेंगे। आज हम लोग सीखेंगे कि कोई भी एल्किल हैलाइड को जब धातु के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या क्या हमें प्राप्त होगा। तो सबसे पहले लिखेंगे, सबसे पहला टॉपिक्स इसके नीचे का, एल्किल हैलाइड को जब ईथर की उपस्थिति में, ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया कराया जाता है, तो एल्केन का निर्माण होता है। इसे वुड्स अभिक्रिया कहा जाता है, चलिए, तो हम लोगों का पहला रूल्स क्या है धातु के साथ अभिक्रिया में? हम लोग पहला धातु याद रखना पड़ेगा कि किसके साथ कराते हैं, सोडियम के साथ, ठीक है। अगर हम लोग सोडियम के साथ कराएंगे तब उस अभिक्रिया को हम लोग बोलेंगे वुड्स अभिक्रिया, ठीक है। देखिए, यहां पे चीजों को याद करना पड़ेगा, अभिक्रिया को ही साथ साथ, और दूसरे साथ साथ कि वो कौन सा अभिक्रिया है। जरा इसका रूल्स पे चर्चा करते हैं, तो उसके नीचे रूल्स लिखिएगा कि अगर कोई एल्किल हैलाइड है यानी कि आरएक्स है, उसको सोडियम धातु के साथ अगर रिएक्शन कराते हैं किसके उपस्थिति में, ईथर की उपस्थिति में, तो ये कैसे अभिक्रिया करके बनाएगा? तो आर यानी कि सिर्फ अल्केन बनता है, ये आर का मतलब अल्केन बनता है, और एक्स यहां से सोडियम के साथ चला जाता है। अब ये चीजें समझ में नहीं आ रहा होगा कि आखिर ये कहलाए क्या रहा है, तो आप याद अच्छे से देखो, आर एक्स का मतलब एल्किल हैलाइड, आर का मतलब कार्बन का छह, और एक्स का मतलब हेलोजन, और सोडियम एक धातु है। जब हम लोग यहां पे सोडियम धातु के साथ रिएक्शन कराएंगे तब उसका नाम याद रखिएगा, इसे वुड्स अभिक्रिया कहते हैं। जैसा कि अलग अलग व्यक्ति का उसके चरित्र और गुण पे, गुण से उसके नाम को ख्याल रखा जाता है, वैसे ही
इसका भी गुण है कि जब अगर एल्किल हैलाइड को सोडियम धातु से करेंगे तो ये पूरा अभिक्रिया को वुड्स अभिक्रिया भी कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रहे कोई पूछ दिया कि वुड्स अभिक्रिया क्या है, तो आप बोलेंगे कि अगर एल्किल हैलाइड को सोडियम के साथ करना होगा तो वुड्स अभिक्रिया कहलाएगा। यानी कि वुड्स अभिक्रिया का पहचान है सोडियम रहना चाहिए, Na रहना चाहिए। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, तो रूल्स है। अब इसका एग्जाम्पल, जैसे मान लिया कि कोई यहां RX, पहला एग्जाम्पल CH3 CH2 Cl, ठीक है, सोडियम के साथ रिएक्ट किया यहां इथर के उपस्थिति में, क्या बन रहा है, तो सिर्फ R बन रहा है। तो R का मतलब कार्बन का चयन, यानी कि CH3 यहां CH2 है, तो एक हाइड्रोजन ऐड होगा तभी ना कार्बन का पूरा होगा चार, क्योंकि तीन हाइड्रोजन और एक ये वाला बॉन्ड, चार हो जाएगा कार्बन का। तो यहां से जब कोई हाइड्रोजन हटता है तो यहां एक हाइड्रोजन बढ़ जाता है तीन, लेकिन ये गया तो सोडियम के साथ जुड़ के NaCl बना लिया। उसी तरीके से अगर कितना भी इधर कार्बन का चैन रहेगा, जैसे मान लिया ऐसे CH3 CH2 CH2 Br प्लस सोडियम, हमेशा देखिए सोडियम के साथ ही होगा। और ध्यान रहे इथर का उपस्थिति का मतलब हुआ कि वो उत्प्रेरक के रूप के जैसा काम कर रहा है, उपस्थिति का यहाँ पे मतलब हुआ उत्प्रेरक। ठीक है, तो सोडियम के साथ करेंगे तो आप खुद से बनाइए, बनाने का प्रयास कीजिएगा क्या बनेगा। तो यहाँ पे तो सिर्फ R बचना चाहिए ना भाई, तो X के रूप में क्या है, ब्रोमिन। तो ब्रोमिन जैसे ही यहां से हटेगा तो यहां पे एक हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, यानी कि CH3 CH2 यहां CH3 बन जाएगा। बीच वाला में हाइड्रोजन नहीं जोड़ना रहता है, किनारे में जोड़ना रहता है, जहां से जिस कार्बन से ब्रोमिन हटेगा वही ना हाइड्रोजन आकर जुड़ेगा और प्लस Na और Br होगा यहां पे। उसी तरीके से एक और एग्जांपल का अगर बात कर लें, CH3 CCH3 CH3 CH2 आयोडीन, ठीक है, प्लस सोडियम और इथर की उपस्थिति में। तो आप इन रिएक्शन को जरूर कंप्लीट कीजिएगा, यहां पे कोई हार्ड नहीं है। ये हो गया आपका पूरा R और इसके साथ HI जुड़ा है, मतलब कि X की जगह पे, और सोडियम के साथ करा रहे हैं इथर की उपस्थिति में। तो ये भी एक तरीके का वुड्स अभिक्रिया है। क्यों? क्योंकि आपको याद रखना पड़ेगा कि अगर सोडियम रहता है वुड्स अभिक्रिया कहलाता है। चलिए, तो पहला था हम लोग सोडियम धातु के साथ, उसके बाद और धातु के साथ अभिक्रिया देखते हैं। तो नंबर टू लिखा जाए यहां पे, जब एल्किल हैलाइड को जब एल्किल हैलाइड को ईथर की उपस्थिति में जस्ता, जिसको जिंक भी बोलते हैं, जस्ता ब्रैकेट में जिंक Zn धातु के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो एल्केन का निर्माण होता है, एल्केन का निर्माण होता है। नेक्स्ट एरो उसमें लिखेंगे इसे फ्रैकलैंड अभिक्रिया कहा जाता है, ध्यान दीजिए, देखिए जो चीजें हम लोग पढ़ रहे होते हैं ना, वो चीजें कांस्टेंट नहीं रहती है, वो बढ़ती जाती है। सेम वैसे ही अभी चूंकि हम लोग पढ़ रहे हैं धातु के साथ अभिक्रिया, तो पहला धातु के रूप में क्या इस्तेमाल किया गया, सोडियम। तो सोडियम जहां कहीं भी दिख जाए आपको वुड्स अभिक्रिया बोलना है। कौन सा अभिक्रिया बोलना है? वुड्स अभिक्रिया, ठीक है। और
यदि आज से सीखे कि अगर जिंक मिलेगा यहाँ पे तो इसी का नाम हो जाता है फ्रैंकलिन अभिक्रिया। मतलब दोस्तों, धातु बदला उसका नाम बदला, काम वही रहा, एल्केन ही बनेगा। जरा रूल्स दिखा देते हैं तो आपका पता चल जाएगा कि हम लोगों का रूल्स क्या बोल रहा है। इसमें भी रूल्स दूसरा वाला के लिए, उसके नीचे रूल्स लिख लीजिएगा। तब इसके लिए भी रूल्स वही है कि एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड का मतलब आरएक्स को जिंक के साथ, जिंक के साथ वही बातें इथर की उपस्थिति में, मतलब कि उत्प्रेरक क्या बनेगा, तो एल्केन यानी कि सिर्फ आर, और ये एक्स जेडन के साथ हो जाएगा तो जेडन एक्स, और यहां पे बन जाएगा आपका एल्केन। अब यहां पे बात पता चल रहा है कि अब ऐसा स्ट्रक्चर जहां कहीं भी मिलेगा उसको हम बोल देंगे क्या, फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन क्यों नाम, जिंक वाला का फ्रैंकलिन नाम होता है। चलिए जरा एक एग्जांपल लेते हैं इसका, सब तरफ में वही रखने वाले हैं। सॉरी, इधर तो ठीक था, यहां सीएल था, यहां बीआर था, यहां पे हम लोग, सॉरी, ठीक है ठीक है, ये हाँ, अब की बार सब कुछ वही है, सिर्फ यहां जेडन आ गया, जिंक आ गया, तो जिंक आ गया तो यहां जिंक क्लोराइड बाहर हो जाएगा, जेडन, ठीक है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये क्या था मेरा, आरएक्स, आरएक्स को अगर जिंक, जिंक का मतलब हुआ कि जस्ता, और जिंक को के साथ अगर हम लोग इसको रिएक्ट कराते हैं तब इसका नाम हो जाता है फ्रैंकलिन अभिक्रिया। यानी कि यहां पे भी जेडन रहेगा, यहां पे भी जेडन रहेगा, तो हम लोगों का सेम सब चीज वही होगा, सिर्फ यहाँ जेडन के साथ सीएल, जैसा कि यहाँ पे CH2 था, CL बाहर जाएगा तो एक हाइड्रोजन ऐड होके CH3 बन जाएगा, वैसे ही यहाँ और यहाँ पे भी काम करना है। बसरते हम यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि एक नया धातु बदला, मतलब क्या, जेडन। तो जेडन अगर बदलता है यानी धातु बदला तो उसका नाम बदल गया फ्रैंकलिन अभिक्रिया, ठीक है। उसी तरीके से अगले की ओर चला जाए, दैट इज नंबर थ्री, तीसरा धातु की ओर बढ़ते हैं। तो तीसरा नंबर में लिखा जाए, लिखा जाए, जब एल्किल हैलाइड को, जब एल्किल हैलाइड को ईथर की उपस्थिति में, ईथर की उपस्थिति में मैग्नीशियम धातु के साथ अभिक्रिया किया जा कराया जाता है तो ईथर की उपस्थिति में मैग्नीशियम धातु का अभिक्रिया कराया जाता है तो एल्केन का निर्माण होता है, एल्केन का निर्माण होता है। नेक्स्ट एरो, इसे इसे ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया या अभिकर्मक कहते हैं, इसे ग्रिग्नार्ड, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहते हैं। देखिए सब चीज वही है, देखो भाई आप धातु के साथ अभिक्रिया में ना, अगर आप एक चीज को समझ गए तो बाकी सभी चीजें आसान है, क्योंकि इसमें धातु बदल रहा है तो बस नाम बदल रहा है, सब में वही बनेगा। जैसे ये ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया कर्मक, तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कब बोलेंगे, जब, जब क्या हो, तो मैग्नीशियम हो, इसका रूल्स उसके नीचे लिखेगा कि आरएक्स एल्किल हैलाइड रहेगा, लेकिन यहां पे मैग्नीशियम एमजी ईथर की उपस्थिति में एल्केन बनेगा, यहां पे एमजीएक्स बाहर हो जाएगा, सिंपल है।
तो यहां पे भी हम लोग अब अगर जिंक के साथ ना कराकर अगर मैग्नीशियम के साथ कराएंगे तो ये बन जाएगा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। इसका धातु बदला, नाम बदला, सबका काम वही बदला, ठीक है। तो यहां पे आप देख पा रहे होंगे कि हम लोगों का अगर धातु चेंज होता है तो उसका अभिकर्मक या उसका नेम चेंज हो जाता है। तो इस तरीके से हम लोग और भी दो क्वेश्चन हम लोग सब में छोड़ते जा रहे हैं, आप इन चीजों को कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद आना चाहिए कि टोटल धातु के साथ हम लोग तीन अभिक्रिया देखें, एक सोडियम, दूसरा जिंक और तीसरा मैग्नीशियम। अगर सोडियम के साथ होता है वुड्स अभिक्रिया, अगर मैग्नीशियम के साथ होता है जिंक के साथ होता है फ्रैकलैंड अभिक्रिया, और मैग्नीशियम के साथ होता है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। तो ये चीजों को आप जरूर याद रखिएगा कि किसको किसके साथ अगर रिएक्ट कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, ठीक है। तो इस तरीके से धातु के साथ अभिक्रिया में यही तीन धातु था जिसके साथ एल्किल हैलाइड को अभिक्रिया कराया जाना था। अब आप अपने तरीके से सोचेंगे कि सर लोहा भी तो एक धातु है, उसके साथ कराएंगे तो क्या बनेगा। तो आपका जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल सही है, लेकिन हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे तभी ना प्राप्त होगा कि वो बन क्या रहा है। इसीलिए धातुओं में भी आपको याद रखना पड़ेगा कि वही तीन धातु है, एक सोडियम, जिंक और मैग्नीशियम, जो सब चीज सेम काम करता है लेकिन नाम बदल जाता है। सब में एल्केन बनता है, सब में वही चीज हो रही है लेकिन नाम बदल रहा है। तो इस तरीके से हम लोग धातु के साथ जो रिएक्शन था, अभिक्रिया था, वो टोटल खत्म हो गया। अब हम लोग किसी खास यौगिक के बारे में पढ़ें, यानी कि अब चूंकि हम लोग कार्बनिक रसायन पढ़ रहे हैं ना, तो कार्बनिक रसायन एक रसायन का ऐसा भाग है जो किसी भी यौगिक के बारे में हम लोग डीपली नॉलेज पढ़ेंगे कि आखिर वो क्या है, उसका फार्मूला क्या होता है, उसको किस नाम से जाना जाता है, उसका उपयोग क्या है, उसका गुण क्या है, इसका अगर अभिक्रिया कराया जाए तो हमें क्या मिलेगा। तो राइट, सही बात यह है कि अब वो कौन सा यौगिक है जो हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे टॉपिक है एथिल ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड। अब एथिल ब्रोमाइड के बारे में आज हम लोग, एक यौगिक है एथिल ब्रोमाइड, और इस यौगिक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर एथिल ब्रोमाइड है क्या, ठीक है, और ये एथिल ब्रोमाइड का फार्मूला क्या होता है, इसका ये बनता कैसे है, इसका उपयोग कहाँ है। तो सबसे पहले एथिल ब्रोमाइड का जो फार्मूला है इसके ब्रैकेट में लिखा कीजिए C2H5Br, इसी को बोलते हैं एथिल ब्रोमाइड, ठीक है। अब एथिल ब्रोमाइड बनता कैसे है, इसका उपयोग क्या है, इसका अणु सूत्र क्या होता है, इसका आकृति कैसा होता है, तो सब चीज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे फर्स्ट नंबर, उस फर्स्ट नंबर का नाम है निर्माण। पहला नंबर क्या देकर लिखेंगे, निर्माण देकर लिखेंगे कि एथिल ब्रोमाइड का निर्माण क्या होता है, ठीक है, एथिल ब्रोमाइड बनता कैसे है। तब फिर हम लोग सीखेंगे दूसरा पॉइंट में उसका अणुसूत्र, फिर तीसरा पॉइंट में पढ़ेंगे कि इसका आकृति कैसा होता है, स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो पहला में निर्माण देकर एल देंगे, निर्माण में एल देकर लिखेंगे जब एथिल एल्कोहल को एथिल एल्कोहल को हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड का फॉर्मूला क्या होता है, HBr, इसी को बोलते हैं हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ठीक है। और एक होता है अभी लिखें एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला होता है C2H5OH, ये होता है एथिल अल्कोहल,
ठीक है। तो क्या लिखे, जब एथिल अल्कोहल को हाइड्रोजन ब्रोमाइड HBr के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो एथिल ब्रोमाइड का निर्माण होता है, एथिल ब्रोमाइड का निर्माण होता है। चलिए तो अब इसका हम लोग बात कर लेते हैं कि एथिल ब्रोमाइड बनता कैसे। सबसे पहले जो टॉपिक्स लिए हैं वो टॉपिक्स क्या है, तो एथिल ब्रोमाइड है। तो जितना भी कुछ पढ़ेंगे हम लोग एथिल ब्रोमाइड के बारे में पढ़ेंगे कि एथिल ब्रोमाइड क्या है, उसका क्या आकृति है, संरचना है, सब कुछ। तो सभी सबसे पहले निर्माण लिखे हैं, तो जो बात लिखे है उसके नीचे जरूर लिखेंगे रिएक्शन कि इसका निर्माण कैसे होता है। तो जब एथिल अल्कोहल का मतलब C2H5OH, इसका नाम है एथिल अल्कोहल को किसके साथ रिएक्शन कराएंगे, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, याद रखिएगा, यानी कि HBr को अगर रिएक्ट कराएंगे तो क्या मिलेगा, एथिल ब्रोमाइड यानी कि C2H5 के साथ Br ऐड हो जाएगा, यानी C2H5Br। ये Br यहां से प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो रहा है, Br यहां से हट रहा है और H के साथ OH जुड़ जा रहा है, H के साथ OH, या फिर हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि या C2H5OH को अगर HBr के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं C2H5Br प्लस H और OH को मिलने से वाटर बनता है और यही कहलाता है क्या, एथिल ब्रोमाइड। तो याद रखिएगा एथिल ब्रोमाइड बनता कैसे है, तो एथिल अल्कोहल को और हाइड्रोजन ब्रोमाइड को आपस में अभिक्रिया कराया जाता है। तो यहां पे जब अभिक्रिया कराया जाता है तो एथिल ब्रोमाइड बनता है, ठीक है। तो ये पहला हो गया निर्माण, और दूसरा में लिखेंगे इसका अणुसूत्र के बारे में। तो उसके नीचे ये चीज उसके नीचे लिख दीजिएगा, फिर दूसरा नंबर में लिखेंगे अणुसूत्र। अणुसूत्र के आगे लिखेंगे कि एथिल ब्रोमाइड का अणुसूत्र क्या होता है, C2H5Br, ठीक है। तीसरा में लिखेंगे संरचना सूत्र क्या होता है, तो इसको हम लोग संरचना में व्यक्त कर देते हैं, जैसे कि कुछ इस तरीके से। कौन कौन सा भाई, तो एक कार्बन, दो कार्बन है, इस कार्बन को तीन हाइड्रोजन जरूरत है, इसको भी तीन जरूरत है, तो C2H5 यहाँ तीन हाइड्रोजन जोड़ दिया तो दो ही गुना हाइड्रोजन, टोटल पांच ही ना हाइड्रोजन है, लेकिन ये Br है तो इसका स्ट्रक्चर संरचना ऐसे बनेगा। तो दूसरा में तो अणुसूत्र लिखे, तीसरा में कि C2H5Br का संरचना कैसे बनेगा, तो ये संरचना हुआ। अब फिर लिखेंगे चौथा में आकृति के बारे में, किसका आकृति कैसा बनेगा, ठीक है। तो इसके जहां तक आकृति के बारे में सवाल उठता है कि C2H5 का जो आकृति होगा वो कैसा होगा, तो आकृति यहां पे बना लीजिए, डबल डायमंड होता है यानी कि ऐसा, ठीक है। और फिर इसको ये हो गया आपका कार्बन, जितना भी ये हो गया सेंटर, सॉरी अगर हम लोग बात करें ठीक है, ये हो गया और यहां पे कार्बन होता है और इसको डॉट 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 से सूचित किया जाता है। यहां पर इधर कार्बन है, ये जुड़ा हुआ है कार्बन से, ठीक है। तो यहां पे देख पा रहे और बाकी सब यहां पे क्या है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन
हाइड्रोजन, यहां पे भी हाइड्रोजन और यहां पे बीआर, यानी कि एक पॉइंट्स पे बीआर है। तो ये आकृति बना लेना। देखिए हम लोग सेम वैसा ही किए हैं, इस कार्बन और इस कार्बन को डबल बॉन्ड से जोड़ दिए हैं, ठीक है, और इस कार्बन से रिलेटेड तीन हाइड्रोजन, जरा हाइड्रोजन को बना देते हैं, ये तो इस तरीके से हम लोगों का ये आकृति बन जाता है। सब चीज सेम वही है, इस कार्बन से तीन हाइड्रोजन जुड़े हैं, इस कार्बन से भी एक दो तीन, कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड, इस कार्बन से ऊपर नीचे हाइड्रोजन, ऊपर नीचे हाइड्रोजन, इधर भी यार। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये हुआ हम लोगों का आकृति के बारे में। अब लिखा जाए पांचवा, सॉरी ये चौथा है ना, हाँ उसके नीचे लिखेंगे पांचवा गुण के बारे में कि एथिल ब्रोमाइड का क्या क्या गुण है। तो गुण के एरो देंगे, गुण का एरो देंगे पांचवा, लिखेंगे एथिल ब्रोमाइड के निम्नलिखित गुण है। पहला, पहला एथिल ब्रोमाइड रंगहीन, देखिए एक होता है रंगीन, रंगीन का मतलब होता है कलर उसमें है, और एक होता है रंगहीन, रंगहीन का मतलब उसका कोई कलर नहीं है। जैसे आप पानी को देखते हैं तो पानी का कौन सा कलर है, वो रंगहीन है, ठीक है, इसलिए यहां पे लिखेंगे एथिल ब्रोमाइड एक रंगहीन तथा तथा सुगंध युक्त द्रव है, सुगंध युक्त द्रव है। दूसरा गुण का दूसरा लिखेंगे, इसे कुछ देर तक छोड़ देने पर, इसे कुछ देर तक छोड़ देने पर पीले रंग का होने लगता है, पीले रंग का होने लगता है। तीसरा यह जल में, यह जल में विलेय नहीं है किंतु, किंतु किंतु कार्बनिक विलायकों में, कार्बनिक विलायकों में विलेय है, कार्बनिक विलायकों में विलेय है। नेक्स्ट चौथा नंबर, एथिल ब्रोमाइड का क्वथनांक, एथिल ब्रोमाइड का क्वथनांक 311.5 केल्विन है, 311 ऐसे 311.5 केल्विन, केल्विन का मतलब ताप है। चलिए तो सबसे पहले इसमें हम लोग लिखें कि गुण के बारे में कि एथिल ब्रोमाइड का क्या गुण है, ठीक है। तो गुण में हम लोग यही लिखें कि सबसे पहला तो ये सुगंध युक्त है, मतलब गंध देता है लेकिन कोई कलर नहीं है, समझ में आ रहा है, यानी कि ये इसका कोई कलर नहीं है, रंगहीन है। और दूसरा बात कि ये घुलता भी नहीं है किसके साथ, जल में, लेकिन जो भी कार्बनिक विलायक होगा उसमें ये घुल जाएगा, यानी कि आप एथिल ब्रोमाइड को जल में घुलाना चाहें तो नहीं घुलेगा, उसको घुलने के लिए कार्बन का ही चयन चाहिए, यानी कि कार्बनिक रसायन नहीं वो घुल सकता है, कार्बन के यौगिक के साथ वो अपना बॉन्ड बना सकता है। फिर लिखे होंगे कि इसे कुछ देर तक छोड़ने पर पीला पड़ जाता है, और ये हम लोगों का अभिक्रिया का टाइप से है कि अभिक्रिया किसी भी हालत में हो रही है तो उसका अवस्था परिवर्तित होता है, रंग परिवर्तित होता है, गैसों का उत्सर्जन होता है, तो इन सभी क्रिया से रिलेटेड पहचान है। तो उसी तरीके से याद रखना चाहिए कि इसे क्या है, खुला छोड़ देने पर पीला रंग का कलर हो जाता है, क्योंकि ये क्या है, उसके अंदर का गुण है,
एथिल ब्रोमाइड का गुण है सर। और ये जब उबलेगा क्वथनांक होगा वो कितना डिग्री पर उबलता है, 311 डिग्री 5 मिनट या फिर 311.5 डिग्री पे। तो कुल मिलाकर हम ये बोलना चाह रहे हैं कि जैसे जल को 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलाया जाता है, खोलाया जाता है, वैसे ही एथिल ब्रोमाइड को किस पे, 311.5 पे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो एथिल ब्रोमाइड के हम लोग 5 नंबर टॉपिक्स तक गुण तक के पढ़ लिए हैं। अब छठा टॉपिक्स बनाएंगे, छठा नंबर उपयोग। किसका उपयोग भाई, तो एथिल ब्रोमाइड का। तो ये छठा नंबर को उपयोग लिखकर और छोड़ दीजिए, इस उपयोग को हम अगले दिन डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।